गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एबेकस एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज देखिए, आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जो आपका एग्जाम है सैनिक स्कूल का 8 जनवरी को, आज नाइट को ही उसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए और अपना एडमिट कार्ड देखिए, क्योंकि अब सिर्फ एग्जाम में 2 दिन रह गए हैं। तो जल्दी से अपने स्कूल को देखिए कि आपका स्कूल कौन सा स्कूल आया है, ठीक है? क्योंकि लोकेशन तो उन्होंने पहले ही डाल दिया था, और वो लोकेशन इसीलिए डाली गई थी कि ताकि किसी का अगर बाहर आता है सेंटर, तो वो जाने के लिए अपने पहले से ही, अगर ट्रेन वैन की टिकट वगैरह करनी है तो वो पहले से ही कर ले, ठीक है? और उन्होंने एडमिट कार्ड सिर्फ 2 दिन पहले डाला है, तो आज ही उन्होंने रिलीज किया है। जल्दी से जाइए और एडमिट कार्ड चेक कीजिए। तो देखो, एडमिट कार्ड का जो कैसे डाउनलोड करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक डालूंगा एडमिट कार्ड, और वहां एक लिंक होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आप एक साइड पे पहुंच जाओगे। अब वहां जाके आपको देखो ऐसा फॉर्मेट दिखेगा कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, ठीक है? तो ये सिक्योरिटी पिन यहाँ डालना है। एप्लीकेशन नंबर जो आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे जो मिले थे वो यहाँ पे फिल करने हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है? जैसे आप फिल करोगे सबमिट करना है, एंड देन उसके बाद में वो एक उन्होंने कोविड का प्रोफॉर्मा बना रखा है, तो वो आपको फिल करना है, ठीक है? कि आपको मतलब कोविड से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? उसको फिल करने के बाद में ही आपका नेक्स्ट होगा। तो देखो, एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो, और आपकी लगभग तैयारी भी बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ चुका है, 1 या 2 दिन ही बचे हैं सिर्फ अब। तो आपको क्या करना है कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पहले पढ़ रखा है उसी में से, अगर आपने पहले से कुछ ऐसे रिजर्व कर रखा हो कि लास्ट टाइम में ऐसा कुछ देखूंगा पढ़ूंगा जो पहले पढ़ा हुआ हो, ठीक है? तो वो चीज ही पढ़नी है। इसके अलावा आप सिर्फ ट्यूशन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? तो हमने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसपे अभी तक 4 टेस्ट डाल दिए गए हैं और अभी 3 टेस्ट और डाले जाएंगे, ठीक है? तो वहां से उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो वहां से जाइए, वहां से आप जाइए और टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आप उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब क्लासेस के से ही मिलेंगे, ठीक है? तो पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद में आप उसके सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देखो, ये वो जो मैं लिंक डालूंगा इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में एडमिट कार्ड के नाम से, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है? तो इससे पहले का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में जा रहा, और वहां जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2013 एडमिट कार्ड, ठीक है? और यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले देखो लिखा हुआ है लॉग इन थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपको जो लॉग इन होगा वो किससे होगा? एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर में आपको आपके एप्लीकेशन नंबर डालने, जो कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे आपको मिले होंगे। तो यहाँ देखो टू, जैसे अगर किसी के रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये लिख देंगे अपन, देखो मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है। अब नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे लिखना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको वो ही लिखनी है जो कि आपने जब फॉर्म फिल किया था, जब जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है आपके द्वारा, वो वाली डेट ऑफ बर्थ ही लिखनी है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप अपने आधार कार्ड से, या फिर जो आपने फॉर्म फिल किया था तो उसका प्रिंट आउट होगा तो उसी से फिल करें, ठीक है? यहाँ सिक्योरिटी पिन में देखो लिख रखा है जैसे कैपिटल है, अब यहाँ जो चीज कैपिटल में रहेगी वो चीज कैपिटल में लिखनी है। अब देखो आप ये लिखे, जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने ये लिखा रहता है अंडरटेकिंग, ठीक है? कि जैसे कि जो बच्चा होगा उसका, बच्चे का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका एप्लीकेशन नंबर आएगा, एंड उसके बाद में लिखा हुआ कि डेट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड रिलीज ऑर्डर रिलेटिंग टू COVID-19। मतलब जो अभी ये जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने ये रखा है कि अगर किसी को दिक्कत है तो उसको यहाँ पढ़ देना है, क्योंकि वहां शायद एग्जाम में उनके लिए शायद कुछ अलग से व्यवस्था करे या जो भी, लेकिन उन्होंने यहाँ ये चीज पहले सबमिट करवाई है, ठीक है? कि जैसे आई हैव इन द लास्ट 14 डेज
कि आपने 14 डेज में आपके क्या हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। कि जैसे फीवर हुआ है क्या, तो अगर आपको फीवर हुआ है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, और अगर नहीं हुआ है तो उस पर नहीं करना है। ठीक है, देखो अगर आपको फीवर हुआ है तो आपको फीवर वाले पे टिक करना है, कफ हुआ है तो कफ वाले पे करना है, और ये ब्रिंथलेस है तो ये करना है, श्योर दैट ये करना है, रनी नोज, मतलब जो भी हो आपके उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में लिखा हुआ है बीन ए क्लोज कॉन्टेक्ट विद ए कंफर्म केस ऑफ द COVID-19, कि अगर आप किसी को कोविड हो रखा है और उसके आप टच होते हैं तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर देना है कि यस या फिर नो। ठीक है, जैसे मैं एक बार यहाँ आपको यस करके दिखाता हूँ कि यस कर दिया, नॉट बीन इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, कि अगर मैंने जैसे आप किसी को जिसके कोविड हो रखा है उसके टच में आए हैं और आप क्वारंटीन नहीं है। ठीक है, मैं एक बार यस यस करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में वैसे आपको इसमें नो नो फिल करना है। ठीक है, ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज द लास्ट 14 डेज अराइविंग एट द सेंटर। ठीक है, इस सेंटर पर जाने के लिए अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रही हो, अब देखो अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर आपने जैसे यस यस किया ना, तो यहाँ आपको उस चीज की डिटेल भी डालनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यहाँ आपको यस यस ना करके इनको नो नो करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे अपन ने नो नो किया, यहाँ अपने पास एक पेज खुल चुका है, अब यहाँ आ चुका है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। अब देखो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास के है, कौन सी क्लास के लिए है, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, और ये नीचे लिखा है वेन्यू ऑफ टेस्ट, मतलब कौन सी जगह पे लोकेशन आई है। ठीक है, और ये नीचे देखो आपको लिया दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, तो देखो ये आपको एग्जाम में साथ लेके जाना है, क्योंकि ये शायद वहां से फिल करके और वो अपने पास रखेंगे, तो ये जब साथ आएगा तो इसको देख लेना एक बार, रीड करके फिर जाना है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको ये भी डाउनलोड कर लेने हैं और उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि तो कोविड की वजह से उन्होंने थोड़ा सा ये चीजें रखी है। वैसे देखो यहाँ बता रखा है कि बॉल ब्लू पॉइंट लेके जाना है, और ये देखो लिखा हुआ है विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र, मतलब आपको क्या करना है एडमिट कार्ड को पूरी फिल करके लेके जाना है, कि जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही चीजें कि आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, कि आपके 14 डेज में कोई फीवर हुआ गया, कफ हुआ गया, या कोई दिक्कत हुई क्या, उससे नीचे फिर लिखा हुआ है कि आपने किसी जिसकी कोविड हो रखा है उसके कांटेक्ट में आई हो क्या, तो या अगर आई हो तो वहां पे क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, और या फिर आपने कोई सिटी में ट्रेवल किया है तो यहाँ सिटीज का नाम लिखना है कि मैंने यहाँ यहाँ ट्रेवल किया है। ठीक है, यहाँ देखो आपको क्या करना है, कैंडिडेट फोटो, यहाँ आपको फोटो चिपकानी है। ठीक है, उसके नीचे दे रखा है कैंडिडेट लेफ्ट थंब, यहाँ पे लेफ्ट थंब, पेरेंट सिग्नेचर। ठीक है, द अबाउ अंडरटेकिंग हैज बीन फिल अप इन द एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो आपको देखो सिग्नेचर तो मतलब उनके सामने ही करने हैं, यहाँ ऐसा लिख रखा है। ठीक है, और बाकी की डिटेल आप पहले कर सकते हो, तो आपको ये डिटेल ही सिर्फ फिल करके लेके जानी है, ये जो फोटो कैंडिडेट का लेफ्ट थंब और सिग्नेचर, ये आपको अभी नहीं करना है, ये वहां सेंटर पे वो जो वहां का स्टाफ रहेगा, फैकल्टीज रहेगी, वो करवा लेगी, तो आपको वहीं पे जाके करना है। ओके, तो इस चीज के लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि एडमिट कार्ड में किस तरीके से आपको जो डिटेल फिल करनी है वो कैसे फिल करोगे, एंड क्या क्या चीज साथ में लेके जानी है, क्या क्या है। वैसे तो आपको एक तो अपनी आईडी, तो आपको एक आधार कार्ड लेके जाना है और एक बॉल पेन। ठीक है, इसके अलावा तो ये जो एडमिट कार्ड है इसको फिल करके लेके जाना है, जो पहले से फिल करनी है, और जो वहां जाने की फिल करनी है वो वहां पे, उसके लिए आपको एक फोटो चाहिए होगा बस, जो आपने फॉर्म जब अपलोड किया था उसी टाइम का चाहिए होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको वीडियो किस एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे मोबाइल नंबर से या टेलीग्राम चैनल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
और नेक्स्ट इसको डिटेल फिल करने का मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।